तीन बेमू में दे दिया है ये पोर्क को, और आग को जो है एकदम हीट करके देना पड़ेगा। हो चुका है और यहाँ पे मिक्स ये ड्राई जो बेम्बू सूट का सब्जी है वो यहाँ पर जो है हम लोगों ने खाना वगैरह निकाल दिया है, यहाँ पे थोड़ा बुजुर्ग लोगों को दे दिया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हम लोग पिकनिक जाके मैं बहुत खुश हूँ। अभी यहाँ पे मम्मी चलते है मिर्ची को उतरे ना, मिर्ची नहीं चावल और चावल, और अंदर में मम्मी क्या पका रही है? सब्जी है, ग्रीन वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर मिक्स सब्जी एक्चुअली, टमाटर और इसमें है तेरी नानी के लिए मूली की सब्जी पकाऊंगी इसमें। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है। मंजिता को पूरा जोर से भूख लग रही है, बोल रही है, तो मैंने फटाफट बना दिया है मिक्स सब्जी और वहाँ पे मूली की सब्जी। तो अभी हम तीनों यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी जी जो है वो मनबिलो का घर पे गई है, तो वो वहाँ पे एप्पल देने के लिए गई है, तो पता नहीं कब आ जाएगी। वो आने से उसको खाना निकाल देंगे। लम्बो तो अभी वो मार्केट गया है, तो मार्केट से आने के साथ साथ वो खाना खाएगा, फिर हम लोग रेडी हो जाएंगे, फिर जाएंगे पिकनिक पार्टी पे। कल बोली थी ना कल का ब्लॉग में, जो बाहर से हम लोग का भैया लोग है, भाभी लोग है, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग का खानदान वाले जा रहे हैं, बाबूराज फैमिली पूरा वहाँ जाके दिखाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। वो उस दिन मैं अपने दोस्त लोगों के साथ में गई थी पिकनिक पार्टी में, पर वहाँ पे उतना मजा नहीं आया, इस बार देख लेते हैं, थोड़ा बुजुर्ग लोगों के साथ में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मंजिता एक्साइटेड हो? हाँ। अच्छा तो अभी खाना खा लेते हैं हम लोग यहाँ। फाइनली दोस्तों मम्मी हम और नानी रेडी भी हो चुके हैं। मामू तो अभी नहाएगा बोल रहे, मामी अंदर में रेडी हो रहे, और यहाँ पे मम्मी रेडी होके बैठ रही है, धूप सेक रहे ना। आप आज खूब मस्ती करेंगे ना मंजिता? हाँ, रील्स बनाएंगे। वाह, रील्स बनाओगे? हाँ। अच्छा वो देखो मामू आ गया अभी। हाँ। तो अभी हम लोग जो है रेडी हो चुके हैं दोस्तों, और मैंने जो है टोपी वगैरह लगाई है, वहाँ पे हम लोग फोटोशूट वगैरह खींचेंगे, इसलिए मंजिता लोग जो है पहले से ही निकल चुके हैं, अभी बस हम तीनों ही है। गांवचे को भी हम लोग लेके जा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने फ्रूट वगैरह क्या क्या ले लिया है, खत्ता वगैरह जो मौसम्बी है और जो स्टार फ्रूट है वो सब ले लिया है, क्योंकि मुझे कभी कभार ना बोमी बोमी फील आती है, तो इसलिए मैंने ले लिया है जुगाड़, मेरा जुगाड़। तो अभी चलते है ना, चलते है। हाँ, गांवचे पूरा खुश है, ये पूरा सुबह सुबह फ्रेश अप हो चुका है गावुचे भी, ये देखो पूरा इसको बॉडी ऑयल भी लगा दिया है। चलो तो फाइनली हम लोग जो है पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं, पहले जहां आए थे वही जगह पे आए हैं, और गावुचे मेरे हाथों में है ये देखो, और यहां पे नेल्सन हम लोग का बेटा, ये देखो भैया का बेटा है ये। Hello. मेरा भी बेटा लगता है। तो अभी जो है हम लोग मंजिता लोगों को ढूंढ रहे हैं, वो लोग पता नहीं कहाँ गए है फोटो खींचने के लिए, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल, और इतने लोग आए है ना ये वाले जगह पे, पूरा सभी पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया जगह है। ओ बाप रे, मंजिता लोगों से मिल लिया है, ये देखो प्यास लग रही थी इसे, पूरा आते ही पानी पी रही है, और वहाँ पे दीदी लोग पूरा आ रहे हैं, हम लोग यहाँ साया पे इंतजार कर रहे हैं। हम लोग पिकनिक पे आके जो है सीधा खाना खाने के लिए आया है, ये देखो आते ही यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, सलाद है और पोर्क और आलू, और यहाँ पे मंजिता, और ये देखो मंजिता नदी में जदाई नहा दिया आज, तो इसलिए ठंड लग रही है इसको, तो अभी खा रही है सलाद के साथ, अभी तक लोकल चिकन जो है पका नहीं है, तो वो आ जाएगा। मम्मी भी पूरा सलाद के साथ खा रही है, और यहाँ पे पहले बच्चों को दिया था, फिर हम लोग जो है यहाँ पे बेच चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है ये नहीं पीता है इसलिए, दीदी ये नहीं पीता है ना हम लोग, इसलिए जो है
पिकनिक पार्टी पे गए थे दोस्तों, वहां से आते वक्त जो है हमें रात हो चुका था, इसलिए मैंने ब्लॉग भी बना नहीं पाया और लम्बू ने भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वहां पे जो है बहुत ही शोर शराबा था और ये हिंदी गाना बहुत ही बजता है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है पिकनिक पार्टी में ऐसे वीडियो सीडियो बनाने के लिए। तो अभी जो है हम लोग सुबह से लेकर खाना बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आज हम लोग का घर पे जो है भैया लोग आने वाले हैं हम लोग का घर पे लंच करने के लिए। तो एक्चुअली वो लोग जो है हम लोग का रिश्तेदार है, हम लोग का एक ही खानदान का है, वो लोग गुवाहाटी में रहता है। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने सुबह उठते ही पोर्क को जो है पानी कुमरा के साथ पकाने के लिए वॉश करने के बाद यहाँ रख दिया है और इसमें जो है गमले में रख दिया है, इसको मैं बेम्बू में पकाऊंगी। ये भी पोर्क है और यहाँ पर मम्मी जो है चावल सफा कर रही है, ये देखो ये क्या बोलता है, चलाने वाला चावल ही है, थोड़ा मोटा मोटा है ये वाला चावल, फिर भी अच्छा है। और दीदी यहाँ पे प्याज काट के आ चुकी है, फिर से हम लोग जो है लोकल चिकन बॉईल करके वो पकाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो है मैं इसको बेम्बू पे डाल देती हूँ, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह देना पड़ेगा सब दे दिया है, ग्रीन चिल्ली लहसुन प्याज और नमक हल्दी देना पड़ेगा, तो बस बेम्बू पे डाल के पकाओ आराम से। और हम लोग का लाइट पूरा डिस्टर्ब दे रहा है ये वाला लाइट जो। दोस्तों कल का हम लोग पिकनिक में गया था, बहुत मजा लगा था, हम लोग पूरा नाच नाच के मम्मी तो पूरा थक गया था ना, और मामी मैं तो डांस कर नहीं पाई, तो चला गया था घर में। अभी ये खाना पकाने के लिए तैयारी चल रही है। आज हम लोग का घर पे जो है मेहमान आने वाला है, तो उनके लिए ये बेम्बू पॉट मिक्स किया है ना। और यहाँ पे मम्मी क्या बोलता था इसको, पानी कुमरा। हाँ, पानी कुमरा छील के, पानी कुमरा छील के इसको पॉट के साथ मिक्स बनाएंगे। हाँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो यहाँ पर जो है दे दिया है बेम्बू को, ये देखिए दोस्तों तीन बेम्बू में दे दिया है ये पॉर को, और आग को जो है एकदम हीट करके देना पड़ेगा। तो अभी बर्तन वगैरह को थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, फिर से सब्जी वगैरह पकाना पड़ेगा। आज देख लेते हैं कितने लोग आते हैं, बड़ा एक्साइटेड है हम लोग, कितने दिनों के बाद जो है हम लोग सभी एक ही साथ में जो है खाना खाएंगे। अभी यहाँ पे जो है पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है, क्योंकि लाइट भी चला गया है ना, हम लोग ज़्यादातर यहाँ से यूज़ करते हैं। इसको यहाँ पे रख देती हूँ, इसको यहाँ ये वाली बर्तन को जो है घर का ऊपर में रखना पड़ेगा। अभी फिर से चूल्हे पर जो है मैंने कढ़ाई पे तेल भी दे दिया है, ये वाले पोर्क को जो है पकाना है पानी कुमरा के साथ। तो यहाँ पे जो भी देना पड़ेगा सब यहाँ रेडी करके रख दिया है, मसाला वगैरह यहाँ पे चिली पाउडर वगैरह हल्दी नमक वगैरह सब कुछ। तो अभी बस तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है, अभी जैसे तेल गर्म हो जाएगा मैं धीरे धीरे पकाऊंगी। और दीदी जो है अंदर पे मिक्स वेजिटेबल पका रही है, बापरे। हम लोग जो है सुबह सुबह वो थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट किए थे, अभी लंच जो है 1-2 बजे करेंगे हम लोग, भैया लोग जब आ जाएंगे तब पूरा दिखाएंगे हम लोग कितना लोग खाना खाएंगे। अभी घर में बहुत ही मजा आने वाला है, कल पिकनिक में गए थे ना थोड़ा वहाँ पे मजा नहीं आया। तो यहाँ सबसे पहले मसाला को मैं पका रही हूँ, ये देखिए प्याज को जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर होना पड़ेगा, यहाँ पे दे दिया है सब कुछ मसाला वगैरह। अभी ये वाला जो है पकने के लिए रख देते हैं, बाद में पानी दे दूंगी। और दीदी जो है अंदर पे
यहाँ ड्राई बैम्बू सूट का सब्जी पका रही है, और यहाँ पर चावल को भी दे दिया है। हम लोग का ये वाला कुकर जो है थोड़ा सा खराब है, इसलिए इसे लो फ्लेम में देनी पड़ती है। और क्या पकाएंगे, साग, साग बॉईल करेंगे ना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉट को जो है मैंने पानी दे दिया है, इसमें आराम से अभी ये पानी को बड़ा अच्छे साफ पक रही है। ये देखो पूरा धुआं धुआं आ रहा है। तो यहाँ पर पॉट भी हो चुका है, और यहाँ पे मिक्स ये ड्राई जो बेम्बू सूट का सब्जी है वो भी हो चुका है। अब इसको यहाँ पे रख देता है दीदी, फिर से यहाँ पे बॉईल कर रही है फोर्क को। और लम्बू अभी गया है समीर भैया का घर पे, वहाँ से जो है वो दो तो लोकल चिकन लेके आ रहा है, तो उसे भी हम लोग जो है बॉईल करके पकाएंगे। अभी लास्ट में बस वो साग को बॉईल करेंगे। फिर से अभी खेत से जो है हम लोग साग तोड़ेंगे। यहाँ पे मम्मी जो है बीन्स उतार रही है। ये देखो ये वाले बीन्स का जो सीट होता है वो बेचने के लिए ना, बेचने के लिए। एक तो आंटी जो है हम लोग का खेत से सब्जी वगैरह लेके जाते हैं, मार्केट पे बेचती है। तो क्या बोलता है, ये राजमा भी नहीं है ना, राजमा नहीं है, मिक्स है ये। थोड़ा सा दिखा देती हूँ छील के, ये देखिए मिक्स है ये पर्पल कलर का। तो अभी मैं यहाँ से साग लेके जाऊंगी, बड़े बड़े पट्टे। ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा साग है, बहुत ही बड़ा बड़ा। हम लोग का खाना जो है रेडी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो है मैंने चावल को रख दिया है केले के पत्ते में, और यहाँ पे जो है हम लोग का चिकन, सॉरी चिकन ने पोर्क जो है बेम्बू में पकाए थे ना, वही यहाँ पे हो चुका है। फिर से चावल एक कुकर दे दिया। अभी दीदी यहाँ पे फिर से साग बॉईल कर रही है। मैंने ये वाला बॉईल किया था, थोड़ा कम हो गया। अभी इसमें जो है क्या क्या सब्जी है वो सब थोड़ा बाद में दिखाऊंगी। और ये वाली जो क्या बोलता है हम लोग का टेबल, छोटे छोटे टेबल हम लोग अपने लैंग्वेज में कहते हैं मेजांग। ये जो है जो भी बाहर से मेहमान वगैरह आते हैं ना, तो हम लोग जो है इसका ऊपर में खाना वगैरह परोस देते हैं। तो अभी खाना निकाल देंगे, क्योंकि अभी एक बजने वाली है तो सबको भूख लगेगा। तो वहाँ पे जो है बच्चे लोग पूरा खेल रहे हैं। उधर थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये देखो पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। वाह क्या से खेल रहा है वहाँ पे, देखो हम लोग का छोटा सा छोटा सा भतीजा। वाह मंजिता भी, हेलो हेलो। ये देखो हैंडसम हैंडसम हम लोग का भतीजा है यहाँ पे भी। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने खाना वगैरह निकाल दिया है, यहाँ पे थोड़ा बुजुर्ग लोगों को दे दिया है, और देखो यहाँ पे छोटा सा दोन को जो है खेलने के लिए दे दिया है। बस हम लोग यहाँ बैठ के आराम से खाएंगे। तो यहाँ पे भाभी भैया सब आराम से खाइए। हमने अभी खाना वगैरह भी खा लिया है दोस्तों, और मम्मी जो है पापाया भेजी थी। तो अभी आप लोग को दिखा देती हूँ, यहाँ पे तेजू से जो है एक तो भैया लोग आए हैं। हम लोग का ये पपाया का पेड़ से जो है इतना पपाया मिलता है ना, तो यहाँ पे देखो पूरा बढ़ बढ़ के लेके जा रहे हैं पपाया, लाई पट्टा, और क्या उसमें क्या है थोड़ा सा इस साइड में दिखा देती हूँ। इस साइड पे है ये तेरोल, तेरो का पत्ता। ये देखो बड़ा बड़ा, ये जो है वो जो सुअर पालते हैं ना पिक, तो उनके लिए ये दाना बनाना पड़ता है। अभी यहाँ फिर से जो है दीदी, और यहाँ पे एक तो हम लोग का सिस्टर ही है, तो वो लोग जो है यहाँ से हम लोग का खेत से लाई पत्ता लेके जा रहे हैं। और ये क्या पत्ता है, जिली मिली, जिली मिली साग। यहाँ से जो है बैंगन तोड़ रहे हैं। पहले हम लोग का इस साइड में जो है बहुत ही बड़ा करके बैंगन का खेती था, तो अभी वो खत्म हो चुका है। ये वाला बैंगन का पेड़ पता नहीं कितना साल हो गया, 3 साल ऐसा हो गया, तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है ना, ये अपने आप मर जाते हैं। जो ज़्यादा ही नहीं मिलेगा आज बैंगन, थोड़ा कम है, हम लोग तो खाता ही नहीं। यहाँ पे छोटे छोटे बैंगन लगे हुए हैं, ये देखो फूल भी फिर से निकल आया। मिला
खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन वगैरह जो है दीदी और जो सिस्टर था वो सब्जी वगैरह कलेक्ट कर रहे थे ना, वो लोगों ने जो है हेल्प किया है क्योंकि वो लोग भी हम लोग का घर पे खाना खाए, और मेरा कमर पे इतनी पेन हो रही है इसलिए मैं बर्तन वगैरह को वॉश कर नहीं पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ ना सुबह से लेकर, पूरा काम कर रही थी, पूरा बिजी। कभी कभार तो काम करते करते वीडियो बनाना ही भूल जाते हो, तो जैसे तैसे मैंने ब्लॉग को बना दिया है। तो अभी जो है मेहमान वगैरह भी चले गए हैं दोस्तों, फिर से हम लोग को जो है मंडे को इन्वाइट किया है भैया लोगों का घर पर जो है पूजा पाठ वगैरह है तो वहाँ पे अटेंड होने के लिए। तो अभी घर पे बस दीदी और मैं ही है, मंजिता भी मम्मी लोग का घर पे गई है, मामी भी घूमने मामा लोग का वहाँ पे गई है, तो लम्बू भी नहीं है। तो अभी जो है मुझे नहाना भी पड़ेगा और थोड़ा सा मेरा रूम की साफ सफाई भी करना पड़ेगा। तो अभी आज का ब्लॉग को जो है यहीं तक एंड कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये ब्लॉग को अच्छा लगा होगा। आज दिन भर पूरा बिजी ही बिजी, क्या ही बोलूँ। तो वीडियो को जो है जैसे तैसे एडिट करके अपलोडिंग पे रखूंगी। पता नहीं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेट स्लो है, कभी कभार ब्लॉग देना ही मुश्किल हो जाता है मेरा। तो बाय बाय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, बाय बाय। Thank you.